आज हम हिंदी की अपनी जो पैडा का पार्ट है वो फिनिश करने वाले हैं। उसमें फिनिश तो नहीं होगा, मतलब फोर्थ पार्ट ओके फिनिश करेंगे। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। ओके ममता, संगीता, नेहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हम, हाँ रेखा थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए हैं, क्लियर है? एक बार जल्दी से सभी लोग, हाँ, वो गलत क्लिक हो गया था दीपक, चलिए कोई बात नहीं। क्लियर है? हाँ जी दीपा जी। चलिए तो हिंदी की पैडा जल्दी सभी लोग मैसेज कर दें ग्रुप में, जिससे सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। फिर आज हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। क्या हाल है सभी के? गुड आफ्टरनून सुरेंद्र, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी नए कैंडिडेट हैं, इससे पहले जितने भी पार्ट हो चुके हैं, इससे पहले जितने भी पार्ट हो चुके हैं हिंदी पैडा के, वो फिनिश कर लें, और हिंदी ग्रामर के भी साथ में हम चला रहे हैं, जिससे आपके दोनों कवर होते रहे। तो हिंदी ग्रामर और पैडा दोनों आप जाके प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट होगी वहां जाके देख सकते हैं, सही है, और सभी के लिए फ्री है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वॉइस नहीं आ रही, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रुकिए। क्लियर है? वॉइस क्लियर है इधर से? और किसी को कोई प्रॉब्लम? रेगुलर बने रहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी बननी रहे, सही है। आज हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम हमने भाषा के बारे में देख लिया, उसके कारक जो जो प्रभाव डालते हैं, अर्जन कैसे करें वो हमने देख लिया, सब चीज हमने देख लिया। आज क्या है, अधिगम में व्याकरण की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप में दो चीज आ रही, क्लियर है वॉइस? बहुत अच्छी बात है स्वाति, दीपा, सुनीता, ओके ओके सुनीता। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपके व्याकरण की क्या भूमिका है, सही है, ओके। चलिए सुरेंद्र, देखिए क्या है, पहला आपका पॉइंट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए चार कौशल की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इन सभी की हम बात कर चुके हैं, क्या सिक्वेंस होता है, किसमें आप क्या क्या कारक इसमें प्रभाव डालते हैं, बोलने में क्या, बोलने में कौन कौन से प्रभाव कारक प्रभाव डालते हैं, लिखने में क्या क्या डालते हैं, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हमें व्याकरण के बारे में बात करनी है, सही है। गुड आफ्टरनून सभी का, वेलकम है। अब देखिए इसमें क्या है, भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए चार कौशल की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? पहला आपका पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, सही है। चार कौशल कौन कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इसी के संग आगे देख लेते हैं, शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान और एवं प्रयोग आवश्यक होता है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। बात समझ में आ रही है? व्याकरण हम क्यों पढ़ने वाले हैं हिंदी में, ग्रामर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, क्यों? भाषा का ज्ञान और उसकी प्रयोग की आवश्यकता के लिए। कैसे हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें, और इसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं, सही है, फ्लो में आप बोल पा रहे हैं, विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर पाना, अपनी बात को व्यक्त कर पाना, तो ये सब कब सही हो पाएगा? जब आपका उस जो भी भाषा है, जो भी भाषा है उसका व्याकरण अगर आपका सही है, तो आप अच्छे से अपनी बात को प्रकट कर सकते हो किसी के सामने। तो जल्दी से बताएं, बात समझ में आ रही है, व्याकरण का महत्व क्या है? और आपको दोनों तरह से ये पढ़ना है, आपके संप्रेक्षण में मतलब कम्युनिकेशन में और लिखने में, दोनों आपके सिलेबस में है, तो दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले ये बताएं, क्लियर है ये जो भी स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है? भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए चार कौशल है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, और भाषा शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग की आवश्यकता है, और ये कैसे आता है, ये हमें व्याकरण शिक्षण से प्राप्त होता है, सही है, वेरी गुड। नेहा, दीपक, कशिश, ओके, टिनू, शिल्पी, सुरेंद्र, अर्चना, नेहा, अमरीश, नीलम, ओके, सभी को क्लियर है? उपासना, चल सिंपल, छोटी सी चीज थी, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, सही है। अब व्याकरण की थोड़ी भूमिका की बात कर लेते हैं, क्या क्या हो सकती हैं, सही है। पहला पॉइंट, व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने का विकास होता है। हम लोगों को देखिए इसमें अलग अलग चीजें भी पढ़नी है आपके सीटेट के रिगार्डिंग, ओके, इशिता, केशव, दीप्ति, खन्ना, तो
सभी सभी को क्लियर, बहुत अच्छी बात है, सही है। तो पहला इसमें एक पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना, मतलब वाक्य पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले ध्वनि सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं, फिर धीरे 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 उसमें वाक्य की संरचना करना हम सीख जाते हैं। तो वाक्य अगर आप तब तक सही बोल ही नहीं पाओगे जब तक आपके व्याकरण के नियम सही नहीं होंगे, जो ग्रामर्स के रूल हैं वही आपको नहीं पता है, तो आप वाक्य सही से ना तो बोल पाओगे, और बोल नहीं पाओगे तो आप लिख भी नहीं पाओगे वो चीज। ओके, बात समझ में आ रही है कि पहले आपका क्या सब्जेक्ट मतलब कर्ता होगा, फिर आपकी क्रिया आएगी, है ना, फिर आपका कर्म आता है। तो ये सीक्वेंस जो उसके कुछ नियम है व्याकरण के वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो आपको व्याकरण में पता है तो आप क्या कर पाओगे, सही व्याकरण के वाक्य संरचना आप अच्छे से कर पाओगे, सही है, अच्छे से कर पाओगे, फिर उससे आपका लेखन भी अच्छा हो जाएगा और बोलने का जो कौशल है उसका भी विकास होता है। बात समझ में आ रही है, पहला पॉइंट क्लियर है। व्याकरण की पहली भूमिका क्या है, किसी भी भाषा, ये कोई भी भाषा हो सकती है, वैसे हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को लेके चलते हैं, सही है। वैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसकी ग्रामर का जो पोर्शन रहता है वो क्या क्या हेल्प करता है आपकी, क्या क्या मदद करता है, कि उसकी मौलिक जो वाक्य संरचना है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, सही है। उससे क्या होगा, आपका शुद्ध रूप से लिखने और बोलने में आपको मदद मिलेगी। क्लियर है, वेरी गुड। टिनू, नेहा, शिल्पी, संगीता, दीपा, सौम्या पांडे, सुरेंद्र, सभी को क्लियर है ना, स्वाति भटनागर, विपिन श्रीवास्तव, वेरी गुड, सही है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझाने की शक्ति का विकास करना। जैसे आपने भी देखा होगा सीटेट में तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, बहुत ही माइनर आ जाते हैं कभी कभार, कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपको दे दिए जाते हैं पेपर में, लेखपाल में आते हैं, आपके यूपी के जितने भी पेपर होते हैं, सुपर टेट में भी पूछ लिया जाता है, ओके, के भी और भी एग्जाम है जिनमें पूछ लिया जाता है, आपको एक शुद्ध वाक्य देंगे या अशुद्ध वाक्य देंगे, कैसा वाक्य देंगे, अशुद्ध वाक्य देंगे, उससे क्या करना होगा, आपको शुद्ध उसमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, सही है। तो उसकी नॉलेज कैसे होती है, व्याकरण से होती है, कैसे होती है, व्याकरण से होती है, उसमें या तो आपको ग्राम चिन्ह इधर से उधर कर देंगे, इस टॉपिक कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं व्याकरण से, बेटा सुनीता ये पूछे जाते हैं कि व्याकरण से क्या क्या, चार ऑप्शन दे देंगे, व्याकरण की भूमिका निम्नलिखित में से क्या है, सही है। तो पहला हमने आपको बताया वाक्य संरचना, बिल्कुल हमने देखा कि वाक्य संरचना में व्याकरण की भूमिका होती है, सही है। और अदर से आपको तीन ऑप्शन और मिल जाएंगे, तो आपको पहले वाले पे सही लगाना होगा, या आपको चार ऑप्शन देंगे, तीन उसमें से करेक्ट होंगे, एक पूछ लिया जाएगा क्या इसमें व्याकरण की भूमिका नहीं है, सही है। चलिए क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे ये क्या कह रहा है, भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है। आप फिर समझ पाएंगे कि आपने जो भी भाषा का प्रयोग किया है उसमें चाहे वाक्य हो, उस वो वाक्य सही लिखा है या नहीं लिखा है, बात समझ में आ रही है। तो वो अशुद्धता आप कैसे पता लगा पाओगे, वो किसी भी तौर पर हो सकती है, आपके व्याकरण में किसी भी तौर पर हो सकती है, शब्दों से भी हो सकती है और लिंग से भी हो सकती है, हो सकता है आपने मेल की जगह उसमें फीमेल का जेंडर उसमें लगा रखा हो तो उससे भी हो सकती है, ये भी हो सकता है विराम चिन्ह आपने सही नहीं प्रयोग करे होंगे, तो वो कैसे आएगा, वो आपका अशुद्धता का विकास करता है, कि आपका मेंटलिटी इतनी बढ़ा देती है ग्रामर कि आप पता लगा पाते हो कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सभी को, शिल्पी, विपिन, सभी को क्लियर है, सही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे जो सोते रह गए हैं सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कनेक्ट हो जाए। दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताएं। ओके, कशिश, दीपा, नेहा, ओके, क्लियर है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ओके नीलम, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। इसमें कैसे, जो जो आप चीजें बोल रहे हो वो शुद्ध है, नो डाउट, ओके ओके नेहा, कशे, सभी को क्लियर है, जी सर क्लियर, बहुत अच्छी बात है शिल्पी रेखा, ओके सौम्या, तो ये तीसरा पॉइंट भी समझते हैं, ये क्या है, ओके दीप्ति, तीसरा पॉइंट समझते हैं, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, मतलब व्याकरण क्या करता है उसमें आपके शुद्ध उच्चारण करने में, बोलने में जो आप शब्द बोल रहे हो, जो ध्वनि आप प्रयोग कर रहे हो अपनी भाषा का,
किसके लिए? अपनी बात को प्रकट करने के लिए, अपने भाव को प्रकट करने के लिए। तो वो उच्चारण आपका इंप्रूव होता है, उसमें आपका शुद्धि आती है। तो ये भी एक व्याकरण का आपकी भूमिका है। ओके ओके, वेरी गुड। अमरीश, प्रीति, विपिन, श्रीवास्तव, केशव, ओके, सभी को क्लियर है। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्याकरण की जो शुद्धता, वो उच्चारण की जो शुद्धता है उसका विकास करता है, सही है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना और भाषा में दक्षता, मतलब आपकी इफिशियंसी बढ़ा देता है वो। क्या? व्याकरण दक्षता मतलब आप उसमें इंप्रूव कर जाते हैं चीजों में, किसमें? उसका प्रयोग करने में। वो प्रयोग कैसे हो सकते हैं? स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, चारों तौर पे आप उसमें इतनी दक्षता पा जाते हैं। अगर आपकी ग्रामर का पोर्शन अच्छा है व्याकरण का, तो एक ये अहम भूमिका है किसी भी भाषा को, भाषा में व्याकरण की। ओके, बात समझ में आ रही है सभी को? अगर आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और व्याकरण को आप, व्याकरण की नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप उसे ना तो सही से बोल सकते, ना पढ़ सकते, ना लिख सकते, ना ही बोल सकते हो। ओके, तो चारों ही चीजें किससे इंप्रूव होती हैं? आपकी व्याकरण से इंप्रूव होती हैं। जब ये चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, तो आपके बोलने में वजन आ जाता है। बोलने का वजन, कहने का मतलब ये है कि आपकी लोग बाग बात सुनना चाहते हैं। ओके सर जी, आपने की मेरे हिंदी इंप्रूव, बहुत अच्छी बात है दीपा जी, सभी का इंप्रूव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं, चारों पॉइंट क्लियर हैं? चारों पॉइंट क्लियर हैं। पहला, एक तो आप वाक्य की संरचना करना, कोई भी भाषा हो तो ग्रामर की उसमें इंपॉर्टेंस रहती है। ओके, और भाषा की अशुद्धता आप समझने लगते हैं, उसका विकास हो जाता है। हाँ जी सौम्या, ग्रामर अच्छा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीलम, ओके, उपासना, विपिन, श्रीवास्तव, नेहा, सभी को क्लियर है। कशिश, सही है। प्रियंका, क्लियर है। शुद्ध उच्चारण हो जाता है और भाषा का प्रयोग अगर आपने शुद्ध करना सीख लिया है, तो भाषा में दक्षता प्राप्त हो जाती है, सही है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं व्याकरण के। पहले अब क्या है, विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना। जब हमने हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्या बताया था सभी लोग, पहली लेक्चर जो हिंदी में था, वर्णमाला बताई थी। ओके, वर्णमाला बताई थी और सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटा जो पार्ट बताया था, भाग बताया था किसी भी भाषा का, तो वो क्या बताया गया था आपको, ध्वनि बताया गया था, सही है। ओके स्वाति, अमरीश, दीपा, केशव, प्रीति, टीनू, सभी को क्लियर है। तो मूल, जो मूल आपका किसी भी भाषा का अंग है, वो क्या है, ध्वनि है। विद्यार्थी को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान होता है, सही है। कोई भी भाषा है, सबकी अपनी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होते हैं, सही है। तो आपको उस ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है, किससे, ग्रामर से। बात समझ में आ रही है? तो अब ये भी समझ में आ रहा होगा, पहला लेक्चर हमने उसका क्यों लिया था, क्योंकि आपको हिंदी का मूल तत्व पता लग जाए, सही है। हाँ जी, वेरी गुड सर। डरावनी और वर्णा एक ही थी, समझे नहीं कशिश, क्या कहना चाह रहे हैं आप, विपिन? चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों में वाक्य रचना का नियम और ब्राह्म चिन्ह, वाक्य रचना हमने ऊपर भी देख लिया था, और ब्राह्म चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको मिल सकता है पेपर में, सही है। मैक्सिमम हम आपको थ्योरी पढ़ाते ही नहीं है, बस आपके पॉइंट वाइज जो आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं वही चीज है, सही है। ओके ओके ओके, ध्वनि, हानि, ध्वनि सबसे छोटी, का खा गा बताया था ना, ये ध्वनि होती है किसी भी भाषा की। ओके केशव, अब देखिए उसमें क्या होगा, उसके वाक्य की संरचना और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कहां लगाना है, कौन सा लगाना है, तो उसकी नॉलेज भी कहां से आती है, आपकी व्याकरण से आती है। कहां से आती है, व्याकरण से आती है। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे क्या है, व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है। इसका क्या मतलब है, ये पूरा ही हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में हम आपको बता देते हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन होता है, आप अपने बातें प्रकट ही नहीं कर सकते। अगर आपके ग्रामर की नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी बातों का संचार सही से नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी है, व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है। ओके,
क्लियर हो रही है सभी को चीजें? ओके, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, व्याकरण विधि को शुद्ध सूक्ति लोकोक्ति मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के लिए योग बनाते हैं। अब व्याकरण में क्या क्या यहां पे लिखता है, सूक्ति, सूक्ति आपने देखा होगा क्या होती है, दो लाइनों में दोहे होते हैं ना, तो उनमें बहुत अच्छे से लोग बाग अपनी एक लय और उसमें जो नुक्ते होते हैं उसकी मदद से क्या करते हैं, सूक्ति में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता पाते हैं, कन्वर्सेशन। बिल्कुल सुनीता, है ना, लोकोक्ति और मुहावरे ये भी दोनों चीजें अलग होती हैं, कईयों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता है ना, लोकोक्ति क्या है और मुहावरे क्या है, जो जरा बताएं लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या होता है जल्दी से। यस सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। हाँ एक ही है, अच्छा वर्ण, हाँ जी वो एक ही है कशिश, एक ही चीज है आपको ऑप्शन में, सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण भी मिल सकती है और ध्वनि भी मिल सकती है। ओके, दोनों का एक ही मतलब है, बात समझ में आ रही है, दोनों का एक ही है। चलिए अब ये बताएं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। ओके निशा, बहुत लेट हो रहे हैं और अब्सेंट भी बहुत हो रहे हैं आप, रेगुलर बने रहिए, जल्दी से बताएं, किसे पता है नहीं पता तो आप डोंट नो लिख के भेजें, फिर हम बताते हैं। कहावत नहीं नहीं अरे हमने वो नहीं पूछा है, मतलब अंतर पूछा है दोनों में, मुहावरे इसपे का मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। अच्छा और बताएं जल्दी से, डोंट नो, चलिए हम बता देते हैं, नहीं पता होगा, हम भी समझ रहे हैं। चलिए लोकोक्ति और मुहावरे दो चीज होती है। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, किसी वाक्य का अंश होता है, पहला अंतर तो ये है, किसी भी वाक्य का अंश होगा वो, सही है। ओके सोनू, कोई बात नहीं। मुहावरे में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मुहावरे आपके वाक्य का अंश होता है और लोकोक्ति क्यों होती है, उनका पूरा पूरा एक अंश हो, मतलब पूरा उनका अर्थ निकलता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए अंधों में काना राजा, बात समझ में आ रही है, नहीं पता नहीं पता, ओके मुहावरा एक अलग अर्थ निकलता है, हाँ जी वही हम बताना चाह रहे हैं आपको, जिसे भी नहीं पता चलिए अच्छे से इसे समझ लेते हैं, सही है। लोकोक्ति और वैसे हम ये अलग से भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया टर्म तो आपको पता होना चाहिए, सही है। लोकोक्ति में क्या होता है, पहला हमने एक एग्जाम्पल आपको देख के बताते हैं, ये लोकोक्ति का हम लिख रहे हैं, अंधों में काना राजा, सभी ने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं, अंधों में काना राजा क्या होता है, अज्ञानियों के बीच में थोड़ा सा ज्ञानी होना, इसे क्या बोलते हैं, इसका अर्थ। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा अपना अर्थ दे रहा है, ये क्या होगी लोकोक्ति, इसका मतलब क्या हो गया, अज्ञानियों के बीच थोड़ा सा ज्ञानी होना, बात समझ में आ रही है, तो वो क्या है आपकी लोकोक्ति हो गई। तो ये क्या कर रहा है, आपका पूरा अर्थ निकल रहा है, सही है। मुहावरे क्या होते हैं, सिर पर चढ़ाना, जैसे ये मुहावरे का हम दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, क्या है, या बहुत ही सब लोग यूज करते हैं, पेट में चूहे कूदना, ओके कूदना, तो इसमें क्या होता है, आप वाक्य के साथ इसका प्रयोग कर पाते हैं, सही है, पूरा मीनिंग निकलता है, बिल्कुल सही बात है। लोकोक्ति में क्या होता है, पूरा मीनिंग निकलता है, इसका खुद का एक अर्थ होता है, और मुहावरे क्या होते हैं, किसी वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हो, सही है, किसी वाक्य में उसका प्रयोग कर सकते हो। क्लियर हो गई सभी को बात, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर समझ में आया सभी को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सौम्या, हाँ भूख लगना, बिल्कुल भूख लगना बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया, वो मुहावरा हो गया, मतलब किसी वाक्य का अंश हो गया, लोकोक्ति पूरा अर्थ आपको निकाल के देती है और मुहावरे का हर वाक्य के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बदलता रहता है, लेकिन लोकोक्ति का नहीं बदलता है, सही है, वेरी गुड। हाँ प्रीति, कशिश, शिल्पी, क्लियर है, इसे और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ग्रामर में लोकोक्ति और मुहावरे आपको करवाएंगे, यहाँ पे आ गया था तो बताना थोड़ा सा जरूरी लगा हमें। चलिए दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या है, व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति लोकोक्ति और मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग बनाता है। जैसे जैसे अभी जैसे हमने बताया पेट में चूहे कूदना, तुरंत आपने बता दिया क्या, भूख लगना, तो ये सब कहां से आ रहा है ये व्याकरण का एक पार्ट है, उसका भाग है, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है सभी को। अब ये बताएं ये चारों पॉइंट जो भी यहां पे लिखे हैं, पहला ध्वनि का ज्ञान प्राप्त होता है कहां से, व्याकरण से,
वाक्य संरचना, आपकी रचना करना, उसके नियम और विराम चिन्ह कहां पे आपको प्रयोग करने हैं अपनी भाषा में, उसका ज्ञान आपको मिलता है। व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है, मतलब आप अपनी बातें प्रकट नहीं कर सकते हैं, सही है। और दूसरों की बातें आप समझ भी नहीं पाएंगे जब आपको व्याकरण की नॉलेज ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा। और एंड में व्याकरण विधियों को शुद्ध, सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। वेरी गुड नेहा, क्लियर। शिल्पी, सोनू, कशिश, सौम्या, क्लियर है, सही है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपके ऑप्शन में आपको रखे मिलेंगे, ऑल पॉइंट क्लियर, सही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि व्याकरण की क्या क्या भूमिकाएं हैं, सही है। आपको चार पॉइंट ये बताएं और चार ही आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताए गए हैं, मतलब आठ, सही है, ऑल पॉइंट क्लियर। अब आपको पढ़ना क्या है, इन्हें अलग अलग से पढ़ना है। कौन सा आपका व्याकरण का ऐसा भाग है जो संप्रेक्षण में आपकी मदद करता है, और कौन सा लेखन में आपकी मदद करता है, मतलब लिखने में आपकी मदद करता है, ये अलग अलग हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्या है हमारा टॉपिक, व्याकरण के द्वारा संप्रेक्षण तथा लेखन का कौशल विकास, सही है। थर्ड पॉइंट रिपीट सर, देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है नेहा। थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड पॉइंट ये है नेहा कि व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है। संचार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन करना, मतलब आप अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, सही, आप वाक्य बना ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या अपनी बातें प्रकट ही नहीं कर पाओगे, अपनी भाषा का सही से भाव दे ही नहीं पाओगे जो सामने वाला समझ पाए, ये कहने का मतलब है इसका, ओके। चलिए अब हमने क्या बताया आपको, संप्रेक्षण के तौर पे हमें पढ़ना है, तो हमारी स्लाइड आ जाती है संप्रेक्षण कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका क्या क्या हो सकती है, सही है, वो तो हमने आपको कंबाइंड बता दिया। अब संप्रेक्षण की बात कर लेते हैं। पहला क्या है संप्रेक्षण, सभी को पता होगा क्या होता है, कम्युनिकेशन, बोलना, सही है। तो पहला क्या है, यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भाव को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा अभी हमने बताया था व्याकरण की भूमिका में भी आपको बताया गया है कि अगर आपको व्याकरण में की नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप अपने भाव को अच्छे से प्रकट कर सकते हो। तो वो ही संप्रेक्षण का ही वो कौशल हो गया क्या, यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, या व्यक्त कर सके। पहला पॉइंट क्लियर है संप्रेक्षण कौशल का, जल्दी से बताएं, ओके नेहा, और जल्दी से बताएं सभी लोग, क्लियर हो रही है पहला पॉइंट, ओके बहुत अच्छी बात है, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, क्लियर है, ओके। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ओके सोनू, विद्या बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता करता है। अभी हमने कंबाइंड देखे, अब बोलने में अगर आपके उच्चारण ही सही नहीं है, अशुद्ध है, तो वो क्या करता है व्याकरण, आपको शुद्ध करने में सहायक है, सही है। उसके बाद इसके ज्ञान से बालकों में ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्न और उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकते हैं, सही है। मतलब आपने यहां से एज ए टीचर कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चा वहां से एक फ्लो में वो रिप्लाई दे देगा, अगर उसे पता ही नहीं है का खा गा उसे कहां पे क्या चीज लगानी है, ओके, मेल के संग कौन सा उसमें जेंडर है, क्या उसमें लिंग है, मतलब वो उसे पता ही नहीं है, सही है, हाँ जी, तो वो सही से एक फ्लो में आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होता है, व्याकरण से आपकी ऐसी क्षमता का विकास होता है जिसमें बालक प्रश्न और उत्तर का प्रभावपूर्ण तरीके से उत्तर, मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं, हरजीत कौर यहां से एकदम क्लियर है। अब ये बताएं, ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ है सभी को या रिपीट करना है, सौम्या क्लियर, ओके, शिल्पी, प्रीति, टिनू, अमरीश, दीपा, चलिए क्लियर है, थर्ड पॉइंट भी बताएंगे, थर्ड पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ हाँ, जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं, सही है। इसमें क्या है, एक है आपका राम जाता है, सही है, उसी में आपको लिख के मिल जाएगा राम जाती है, सही है, राम जाती है, तो रिपीट कर दें वो, चलिए रिपीट कर देते हैं दोबारा, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है ये देखिए, दोबारा रिपीट कर देते हैं इस बारी थर्ड पॉइंट को, चलिए जैसे क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, आपका
क्लियर और अच्छे से हो जाएगा, जिसको क्लियर नहीं है वो समझ लेते हैं। इसके ज्ञान से बालक में ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्न और उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसे पता ही नहीं है उस भाषा की, उसे ज्ञान ही नहीं है, तो वो आपको रिप्लाई कहां से करेगा, सही है। तो एक प्रवाह आने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, आपको उसके व्याकरण का पता होना चाहिए, ध्वनि का पता होना चाहिए, क्रिया का पता होना चाहिए, संज्ञा का पता होना चाहिए, सर्वनाम का पता होना चाहिए, सही है। बेसिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम भी ये बातें आपसे बोल रहे हैं तो हमें क्या है, हिंदी में एक फ्लो में बोल रहे हैं, सही है। तो आपको चीज हम समझा भी पा रहे हैं और आप उसे समझ भी पा रहे हो। अगर हमें व्याकरण की नॉलेज नहीं है तो हम कुछ का कुछ अलग ही बोलेंगे, या बोल ही नहीं पाएंगे, या बहुत एक रुक रुक के बात करेंगे, है ना, फ्लो में नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, उत्तर इसमें प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। उसका मतलब ये है, एक फ्लो में आप चीजों अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके ओके, अभिषेक, प्रीति, सौम्या, सभी को क्लियर है, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। क्या अभिव्यक्ति, मतलब आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाओगे अगर आपके व्याकरण की नॉलेज है, उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो, सही है। और फिफ्थ पॉइंट जो आपका पेपर में बन सकता है, व्याकरण शुद्ध एक सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक है। मतलब आप सही जो बोलते हो, शुद्ध और सही बोलने में आपकी व्याकरण एक हेल्प करता है, एक पाथ बना देता है जिससे आप अपनी बातें सही से रख पाते हो, सही है। तो ये सब क्या हो गए, संप्रेक्षण के आपके विकास हो गए, जो किसकी वजह से होते हैं, व्याकरण की वजह से होते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को, कौन कौन से पांच पॉइंट है, पांचों में किसी में भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले। वाचन मतलब प्रेजेंट करना अपनी बात को, ओके। सही वाचन मतलब सही बात, बात को आप प्रेजेंट कर पाओ। वाचन मतलब प्रेजेंट करना, कोई वाक्य होता है उसी को, जैसे आपने बोला, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो एक वाक्य हम जो बोल रहे हैं वो पूरा सही निकल रहा है तब तक आप, तब वो आपको समझ में आ रहा है, सही है। अगर वो हम गलत तरीके से बोलें तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके कशिश, क्लियर है, वेरी गुड। विपिन, शिल्पी, सौम्या, नीलम, क्लियर है ना, टेनू, चलिए। तो ये बात आपकी काय की हो गई, संप्रेक्षण की हो गई, कम्युनिकेशन की हो गई। अब हमें दूसरा जो है लेखन की बात करनी है, फोर्थ पॉइंट। क्या है फोर्थ पॉइंट, ओके देखिए रेखा, फोर्थ पॉइंट ये है, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाना। अगर बच्चे में बोलने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, किसकी वजह से नहीं है, व्याकरण की, या हम और की बात नहीं कर रहे हैं, शारीरिक उसकी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, यहां बस हम व्याकरण की बात कर रहे हैं। व्याकरण की अगर वो नॉलेज नहीं रखता है तो वो अपने भाव को, अपनी भाषा को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है, सभी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका लेखन कौशल हो गया, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण के महत्व, ये क्या हो सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट, व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी और सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप से तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं, सही है। क्या क्या हो गया आपका, व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी और सुनी हुई बातों का शुद्ध रूप से, इसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको लिखने में, अच्छा जो राइटर होते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कॉमा कहाँ पे लगना है, विराम कहाँ पे लगना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे लगना है, तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे लेखक बन ही नहीं सकते। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि आपको उस चीज का सही ज्ञान हो, और वो किसके अंडर में आता है, किसके अंदर आता है, व्याकरण के अंदर आता है, सही है। ओके सौम्या, कशिश, सही है। इसके बाद लेखन का और क्या हो सकता है, यह छात्रों के लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्ति का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उन्हें उनके लेखन कौशल में विकास करने में भी सहायक है, सही है। आपने देखा होगा कई लोग जो हैं बोलते बोलते या लिखते लिखते बीच बीच में मुहावरे देने लगते हैं, सही है, बीच बीच में मुहावरे दे देते हैं, तो उनके क्या है, बोलने में और लिखने में उनमें एक कौशल का विकास हो चुका है, जिसमें वो अपनी बातें मुहावरों के तौर पे और लोकोक्ति के तौर पे प्रयोग करने लगे हैं। हाँ हाँ, शैली, शैली समझ में नहीं आया, शैली कहाँ है,
शैली, लेखन शैली मतलब लिखने की आपकी जो एक्सपर्टीज है उसकी बात हो रही है। ओके कशिश, हाँ ग्राम 20 होते हैं, हाँ वो हिंदी में हम ग्रामर में पढ़ाएंगे सौम्या, वो हम बताएंगे, वो अभी हम क्या बता रहे हैं, लिखने में इन सब की बहुत ज्यादा आपको हेल्प लगती है। अगर आपको विराम चिन्ह का सही प्रयोग ही नहीं पता है तो आप अपनी बातें सही से नहीं लिख पाएंगे, सही है। चलिए, लेखन शैली मतलब आपका जो लिखने का एक्सपर्टीज है वो कैसे आती है, मुहावरे और लोकोक्ति का अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो उसमें आपका वजन आ जाता है, उसमें आपकी स्किल्स का, बिल्कुल सही वर्ड आया जो प्रीति ने बोला है, शैली मतलब स्किल्स, सही है। ओके हाइपन, हाँ बहुत है, सेमी कॉलन सभी चीजें, सही है। अब आपका थर्ड पॉइंट क्या बन जाता है लेखन के लिए, व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों का समझ विकसित हो जाती है। चलिए दोबारा पढ़ देते हैं, व्याकरण से छात्रों में भिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है जिसका प्रयोग करके अपने लेखन कौशल का विकास कर सकता है, सही है। वो अलग अलग तरीके से फिर लिखना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके पास अच्छी ग्रामर की नॉलेज है, ज्ञान है आपके पास, तो आप क्या करोगे, वो चीज आपके लेखन में भी दिखाई देती है, किसमें, लेखन कौशल में भी दिखाई देने लगती है। अगर आपको पता है कौन सा शब्द आपको कहां पे प्रयोग करना है, कौन सी ध्वनि आपको कहां पे प्रयोग करनी है, कौन सी नुक्ता आपको कहां पे लगाना है, कौन से विराम चिन्ह आपको कहां पे लगाने हैं, तो उसका आपका इफेक्ट पड़ता है किस पे, लेखन कौशल पे। बात क्लियर हो रही है, तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं। हां जी बहुत बढ़िया बात है, तो आपके पास यही ऑप्शन आएंगे कि लेखन कौशल में निम्नलिखित में से क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, तो उसमें तीन ऑप्शन सही होंगे, एक आपका गलत होगा वो, या पूछ लेंगे कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है तो आप उसमें से एक हटा देंगे, सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए शिल्पी नरेन कशिश सभी को क्लियर है, दीपा थर्ड पॉइंट रिपीट, रेखा थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए व्याकरण से छात्रों में भिन्न विभिन्न नए नए शब्दों की समझ का विकास होता है। जैसे जैसे आप व्याकरण सीखते जाते हैं आपके पास क्या हो जाता है, शब्द भंडार आपके पास बढ़ता चला जाता है और उसका प्रयोग आपके लेखन में दिखाई देने लगता है, सही है। एक ही चीज को आप 10 तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाते हो, बात समझ में आ रही है। हाँ जी बहुत बढ़िया, क्लियर, आगे बढ़े। इसके लेखन के और क्या क्या हो सकते हैं उसके पॉइंट भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, यह छात्रों में गद और पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। किसका, गद और पद दो चीज होती है, गद में क्या होता है आपके पूरे पैराग्राफ हो जाते हैं और पद में कविताएं होती हैं, सही है, कविताएं ऐसी होती हैं। और आपको जब अनसिंग पैसेज करवाए थे, कंप्रेहेंसिव करवाया था, तब आपको बताया भी गया था कि गद और पद में अंतर क्या होता है, सही है। तो इसमें क्या है, अगर आपको उसकी नॉलेज है ग्रामर की तो आप गद और पद आपके हाथ में इतनी ताकत आ जाती है, आप गद में भी अपनी बातें प्रकट कर सकते हो और पद में भी कर सकते हो, सही है। तो यहीं पे वही चीज लिखी हुई है, यह छात्रों को गद पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है, क्लियर। ओके नीलम, प्रीति, नेहा, रेखा, शिल्पी, क्लियर है, सौम्या, ओके अमरीश, और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा सर्वनाम, जैसे अभी हमने बताया था, अगर आपको व्याकरण की सही समझ है तो आपके पास क्या क्या हो चुका होगा, आप संज्ञा पता लगा पाओगे, मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, सही है। ये सब चीजों को आपके पास नॉलेज हो जाती है, फिर आप कौन सी चीज का कहां पे प्रयोग करना है अपने वाक्य में, अपने वाक्य में उसका सही से आपको प्रयोग करना आ जाता है, सही है। इसी के संग पित्य हो गए, उपसर्ग हो गए जो आगे पीछे और आगे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं आपके, पित्य जो होते हैं पीछे लगते हैं, सही है। तथा तत्सम और तद्भव शब्द आदि का प्रयोग करके अपने लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है, सही है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, किस किस का आपको नॉलेज हो जाती है, अगर व्याकरण की आपके पास ज्ञान है, व्याकरण का अगर ज्ञान है आपके पास, तो आपको संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पित्य, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव, ओके ये क्या होते हैं, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आपने सीधे उठा लिए अपनी में, अपनी भाषा मतलब हिंदी में सीधे आपने उसका प्रयोग कर लिया है, सही है। तो वो चीज आपकी क्या हो जाती है, तत्सम हो जाती है। और कौन सा, इसमें आपका जो ऐसे हैं जिनका भाव थोड़ा सा आपने बदल दिया है, बात समझ में आ रही है, जिसका हिंदी में आपने भाव बदल दिया है
तो वो तद्भव हो जाते हैं। इन्हें भी आपको पढ़ना है ग्रामर में, अलग अलग चीजें हैं दोनों, सही है। यहाँ पे बस मतलब समझ लीजिए, टर्म आते जा रहे हैं तो हम आपको समझाते जा रहे हैं। अब ये बताएं, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ हाँ, शिल्पी, सोनू और सभी बताएं। बहुत बढ़िया, सही है सही है। तो अब आपकी इसमें ये गलती नहीं होगी कि लेखन में क्या जरूरी है और उसमें तत्सम और समझिए कि ट्रिक बता दीजिए, हमेशा भूल जाते हैं। नहीं नहीं ट्रिक देखिए देखिए, तत्सम ट्रिक भी चलिए आपको बता ही देते हैं। तत्सम है ना कशिश, तत्सम है तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम, सम का आप अंदाजा लगा लो समान से, सही है। सम लिखा है मतलब समान, जो शब्द संस्कृत से समान उठा के आपने प्रयोग कर लिए, आपने अपनी भाषा में हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं वो तत्सम हो गए, और जिनका भाव बदल दिया है, भाव थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है, वो तत्भव हो गए। भव मतलब भाव, उनका भाव में आपने चेंज ला दिया थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दिया, वो तत्भव हो गए। बात समझ में आई कशिश? आई थिंक अब नहीं भूलेंगे आप, नाम से ही थोड़ा सा कनेक्ट करने का, तत्सम जो समान ले लिए, तत्भव जिनमें थोड़ा सा भाव में परिवर्तन लाके हमने अपनी भाषा में उसका प्रयोग किया है, सही है। ओके, नीलम, सुरेंद्र, घनश्याम, रेखा, नेहा, सौम्या, वेरी गुड। एग्जाम्पल पूरे ही मिलेंगे आपको इसके, किसके एग्जाम्पल चाहिए आपको, संज्ञा सर्वनाम, ये अभी ये ग्रामर का पोर्शन है, एक एक करके इस पर पूरी बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं सब हमें पॉइंट पढ़ने हैं ग्रामर में। ये पैडा का लेक्चर है। ओके ओके, प्रीति क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पढ़ना है अभी, देशज पढ़ने, विदेश से जो शब्द आए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज लेनी है, तो बहुत शब्द है। लेकिन यहाँ पे हम व्याकरण में क्या पढ़ना है, लेखन की भूमिका की बात कर रहे हैं। तो वंस अगेन रिपीट, तत्सम और तत्भव। ओके, उपासना देखिए हम बात करेंगे ग्रामर में, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें आपके पास ग्रामर का ही मिलने वाला है। तत्सम और तत्भव में क्या होता है, संस्कृत भाषा से, देखिए हिंदी कहां से आई है आपकी, संस्कृत से आई है, तो संस्कृत से कुछ शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्टली उठा के ले लिए गए हैं, सही है। और जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम और डीप में इसे पढ़ाई करेंगे, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। नहीं कोई भी माइंड उसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। तत्सम, तत्सम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है मतलब समान, आपने ले लिए संस्कृत से और हिंदी में आप अपनी भाषा में उसका प्रयोग कर रहे हैं, सही है। तो ये तत्सम हो गए। तत्भव, थोड़ा सा भाव आपने उसका परिवर्तित कर दिया है, सही है, तो वो चीज आपकी तत्भव हो जाती है। दोनों में अंतर इतना सा है, कौन से शब्द ऐसे हैं जो तत्सम है और कौन से तत्भव है, वो हम अभी जब आपको तत्सम तत्भव पढ़ाएंगे तो उस पर बहुत चर्चा करेंगे डीपली जाके, सही है। चलिए क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से और सभी बताएं, इन शब्दों पर मत जाइए, इन शब्दों पे मत जाइए, ये सभी हम आपकी चर्चा करेंगे अलग अलग। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेखन की बात कर रहे हैं, लेखन कौशल की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, कि अगर आपके पास व्याकरण की, व्याकरण का ज्ञान है आपके पास, तो आप इन सब का भी ऑब्वियसली आपके पास फिर ज्ञान होगा, तो उससे क्या होगा, आपके लेखन की जो क्षमता है उसका विकास होता है, उसका क्या होता है, विकास हो जाता है। क्लियर? ओके क्लियर है, वेरी गुड। उपासना क्लियर। ओके कशिश आप भी बताएं, क्लियर हो गया? ओके दीपा, चलिए बहुत अच्छी, अच्छे से क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया है आपका, देखिए पूरा व्याकरण की भूमिका हमने देख ली, और अलग अलग हमें पढ़ना था कि संप्रेक्षण में कौन सी आपका विकास होता है और कौन सा लेखन में होता है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, और अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब आपके ये गलत नहीं होंगे, सही है। इसके क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, तो अब आपके क्वेश्चन ये गलत नहीं होने वाले हैं। तो सभी को अगर क्लियर हो गया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पैडा के आपका आई थिंक ये फोर्थ लेक्चर है, इसके बाद दो लेक्चर और आने वाले हैं, सही है, दो से तीन लेक्चर और आएंगे जिसमें आपका पैडागोजी का पार्ट भी फिनिश हो जाएगा, सही है। ओके कशिश, सुरेंद्र, अलंकार भी याद नहीं, सब बताएंगे, अलंकार, रस, छंद सब आपको बताया जाएगा, सही है, पूरे आप देखते ही बता दोगे, देखते तो नहीं, अलंकार में थोड़ा सा आपको काउंटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप बता पाओगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सब चीजें, सही है। अभी जो बता रहे हैं वो चीज क्लियर होनी चाहिए, मेन है ये, सही है। चलिए
तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें और जो भी नए कैंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए जल्दी से बताएं सभी को कितनी चीजें समझ में आई हैं और कैसा लगा सभी लोगों को। वेलकम ममता, थैंक यू नेहा सर, सम एक्सप्रेशन रिपीट ये एक बार। देखिए रेखा, उसमें कंफ्यूज मत होइए। एक्सप्रेशन मतलब आप कोई चीज प्रकट कर रहे हैं, सही है? आप कोई चीज प्रकट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बोल के कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, है ना? बोल के कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास जो भाषा है, किसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हिंदी, उर्दू, फारसी, कोई भी है, तो उसमें क्या होना चाहिए? व्याकरण की आपके पास समझ होनी चाहिए, उसी से आप अपनी बातों के, अपने भाव को सही से एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दीपा। सर मुझे ये समझ नहीं आता, तत्सम सब समझ में आने लगेगा। ग्रामर का पोर्शन अभी तक जितना आपको कराया है, आई थिंक हमने वर्णमाला आपको कराई है, संधि आपको कराई है और समास करवाए हैं, किसी को उसमें जरा भी डाउट नहीं रह गया होगा। अब पहले बहुत डर रहे थे, अब देखते ही आप लोगों के खुद ही रिप्लाई इतने अच्छे आ रहे थे, है ना? आप लोग खुद उसमें जो अभी तक गलती कर रहे थे, खुद आप लोग ही आंसर दे रहे थे, हमने कुछ नहीं किया था, बस आपको समझाया था, खुद आपके अच्छे रिप्लाई आने लगे थे। तो वैसे ही अब ये आगे भी तत्सम तत्सम हो गए आपके और अलंकार हो गए, जिसका अभी भी डर है वो सब क्लियर हो जाएगा। जो हम करा चुके हैं देखिए आपको कितना इंप्रूवमेंट आया, तो ऐसी चीजें हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? प्रीति सर सभी स्लाइड एक दो शो, हाँ करा देते हैं एक बार, दोबारा शो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला आपका ये आज का टॉपिक था अधिकम में व्याकरण की भूमिका, दूसरा कहाँ कहाँ आपके कौशल उसके प्रयोग होते हैं, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, फिर आपको उसकी भूमिकाएं, व्याकरण की क्या क्या भूमिकाएं हैं, फिर अलग अलग हमें पढ़ना था संप्रेक्षण में क्या भूमिका है और लेखन में क्या है। तो संप्रेक्षण के कुछ पॉइंट ये हैं और लेखन के ये रहे 8 पॉइंट या 6 पॉइंट आपके पास, आई थिंक 5 है, सही है? चलिए थैंक यू उपासना, ले लेते हैं आपके क्वेश्चन। सही है, हाँ बिल्कुल आएंगे ममता, आते हैं पेडागोजी में ये पार्ट आते हैं आपके। चलिए थैंक यू शिल्पी, नेहा, दीप्ति खन्ना। चलिए और कल जो भी आपको एक बताया गया था सीटेट के बारे में, कईयों के मैसेज फिर भी आ रहे थे, समझ में कुछ डाउट था उन्हें, तो किसी को डाउट हो सीटेट की वैलिडिटी के ऊपर तो पूछ सकते हैं। सर जी जी सर आप हो तो सब समझ में आए, बिल्कुल कशिश बिल्कुल समझ में आएंगी सब चीजें, अच्छे से समझ में आएंगी और ऐसे समझ में आएंगी, अभी जो डर है बाद में कहेंगे यही चीज मेरी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है ना? थैंक यू नीलम, कशिश, सुरेंद्र, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का वेलकम है। अब जल्दी से ओके नो डाउट, अब ओके सबके नाम नहीं ले पा रहे हैं सभी का, चलो अच्छी बात है, सभी का वेलकम है। अब किसी को कल हमने जो बताया था सीटेट की वैलिडिटी के ऊपर, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि डाउट कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी वीडियो भी भेजी जो यूट्यूबर खुद ही उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं और कतई कहाँ कहाँ की बातें उसमें उठा के लेके आ रहे हैं कि अब ये हो सकता है, किसी ने 2 बार दे दिए एक, अब यहाँ पे क्या बोले, सब अपने अपने इतने ज्ञानी बन के बैठते हैं। एक ने ये एक ये बोल रहे थे कि हो सकता है किसी ने 2 बार दे दिए और सेकंड टाइम आपके कम नंबर आए और फर्स्ट टाइम आपके ज्यादा नंबर आए, तो आपका बाद वाला ही मान्य होगा। कहाँ बोला गया ये बात, कहाँ बोली गई है ये बात आपसे? और हमेशा ज्यादा नंबर वाला काउंट होता है, कि कौन से लॉजिक लगा के बैठते हैं और कौन से क्या, सही में बच्चों को खुद कंफ्यूजन क्रिएट करवा दिए जाते हैं। हाँ तो आप दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा बता दें सर जी क्या बताना है। नहीं अच्छा सोनू, एक्चुअली निशा हुआ क्या है, आपका जो सीटेट की वैलिडिटी थी उस पे एनसीटी ने क्या था, पहले 7 ईयर की वैलिडिटी थी, अब वो लाइफ टाइम हो गई है, सही है? अब वो लाइफ टाइम हो गई है। चलिए जी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थैंक यू रेखा। चलिए हाँ जिसने भी नहीं देखा है आप वो लेक्चर जाके देख लें, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी जिसने देखा है फिर भी कोई डाउट बन रहा है तो आप पूछिए, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, कशे सब बात करिए। फायदा बस इतना है कि आपको बारी बारी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कि 7 साल बाद, वैसे जिसमें एबिलिटी होती है वो 7 साल की अगर वैकेंसी आ रही है तो बहुत अच्छे से वैकेंसी निकाल लेता है कोई भी हो, सही है? फायदा इसका यही है कि आप उसमें दोबारा दोबारा, और गवर्नमेंट को आप पिंच नहीं कर पाओगे कि आप हमेशा
ये सीटेट साल में 2 बार ले ले रहे हो, लेकिन जॉब कहाँ है ना? जॉब कहाँ है? आप बारी बारी जैसे ही सीटेट आता है तो आप पूछ लेते हो, सर आप जॉब कब दे रहे हो हमें, है ना? क्योंकि जॉब तो आपको सीटेट से मिलने वाली नहीं है। वो किससे मिलेगी? केवी से मिलेगी, या आपको डीएसएसबी से मिलेगी, सुपर टेट से मिलेगी, जो ये लोग लाना नहीं चाहते हैं, है ना? तो अब आप द्वारा द्वारा उनसे गवर्नमेंट से पूछ नहीं पाओगे, तो इसमें ये है आप लोग स्लो डाउन हो जाओगे। तो इसको बस आप इस तरह से भी ले सकते हो कि आपको बैठाने के लिए, कि आप ज्यादा हुल्ला ना करें स्टूडेंट, इसलिए ये लाया गया है। सही है, बात समझ में आ रही है? हाँ। और ये है, अब आपने एक बार इसे क्वालिफाई कर लिया, अब दोबारा तो आप इसे देने जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब ये हमारा लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया। तो धीरे धीरे आप पढ़ाई से दूर जाते हुए निकलते चले जाओगे। सही है? तो जिसे पढ़ाई करनी है वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। बात समझ में आई सभी को? हाँ। सर अब पेपर टफ आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ममता। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहां से आप सुन सुन के आते हो पेपर टफ आएगा? हम जो तैयारी कर रहे हैं ना वो एकदम पीक लेवल की कर रहे हैं। सही है? उससे नीचे ही आपको पेपर मिलने वाला है, उस लेवल तक मिल जाएगा, उससे ऊपर पेपर नहीं आएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है पेपर में, वो ही आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नियम चेंज हुआ है लाइफ टाइम के लिए। इससे ये नहीं है कि टफ आ जाएगा पेपर या के हो जाएगा। आपको चीजें आती हैं तो इजी है, नहीं आती तो आपके लिए वो चीजें टफ अपने आप बन जाती हैं। सही है? अब कोई क्वेश्चन पहले आप कर रहे थे नहीं हो रहा था, अब आपने लेक्चर ले लिया, आपको समझ में आ गया, वो चीज आप आराम से कर पा रहे हो, तो वही चीज आपके लिए इजी हो गई। तो टफ और इजी का कॉन्सेप्ट आपका माइंड तय करता है, और आप लोग आपकी मेहनत तय करती है कि कितना आपने उसमें सीखा है। रूबीना, सर वैकेंसी के भी एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, वैकेंसी अगर आपने निकाल ली है, अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने वैकेंसी क्लियर कर ली है तो कोई एग्जाम नहीं है, आपका ये डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डायरेक्टली हो जाएगा। कुछ केवी वे भी है जहां पे इंटरव्यू भी होता है। सही है? लेकिन एग्जाम नहीं होगा। चलिए बाकी सब क्लियर है सभी को? ओके, समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, और ज्यादा इधर उधर की बातों से दूर हटिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुराना, एक मैसेज आया था कि फॉर्म भरवाए जाएंगे पुराने स्टूडेंट से, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो भी न्यूज होगी फुल वैलिड न्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी चैनल पे, और ज्यादा किसी के चक्कर में मत पड़िए। हाँ जी, चलिए। हाँ, 5 o'clock पे भी आपकी एक क्लास है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।